क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ हर्षा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। राजभवन देहरादून में एनसीसी के माउंट अबू गामिन पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी के माउंट अबू गामिन पर्वतारोहण अभियान का समापन किया, और ये यहाँ पर पर्वतारोहण अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैडेट्स का चयन करना और प्रशिक्षण था। इस पर्वतारोहण अभियान में देश भर के कुल 34 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्वतारोहण अभियान के दौरान कैडेट्स ने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए खुद को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण केवल शारीरिक शक्ति का ही नहीं बल्कि मानसिक धैर्य और साहस का भी परीक्षण है। कैडेट्स ने अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए एक चोटी को फतह किया है, और इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वो जा रहे हैं। सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अभिगमन गई थी वो लौट के आई है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के एनसीसी के कैडेट्स थे, और 39 कैडेट्स थे, उसके अंदर में 12 उत्तराखंड के एनसीसी कैडेट भी थे। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है उसका प्लान किया जा रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। एनसीसी ने जो अपना एकता और अनुशासन और जिस प्रकार से ये माउंटेनिंग का प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है, मैं चाहूँगा कि आप सब उसको देखिए, वो दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएगी कि जिस प्रकार कितनी मेहनत कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है। और सच कहूँ तो इसके अंदर में जो हमारी बेटियाँ हैं उन्होंने तो कमाल ही किया है, और ये एक टेस्ट है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटल फोर्टिट्यूड किस प्रकार का है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो एनसीसी है एक बहुत बड़ा परिवार है, 18 लाख उनकी स्ट्रेंथ है, और इस वक्त में जो हमारा डेमोग्राफिक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि 65% हमारे युवा है। तो ऐसा लगता है इन सबको देखकर, एनसीसी कैडेट को ऐसा लगता देखकर लगता है कि जो हमारी अमृतकाल है, जो आने वाला समय है, जो हमने 2047 का विकसित राष्ट्र का जो सपना देखा है, जो संकल्प है, और जो विश्व गुरु बनने का हमारा सच्चा एक एफर्ट है, उसके अंदर में अवश्य ही हमको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हमारे कैडेट्स जो मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, जो उनकी ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से कार्य करते हैं, और जिस प्रकार से इन माउंटेनिंग एक्सपीडिशन में उन्होंने कार्य किया है, तो ये हम सबको एक हौसला देता है कि हमारे राष्ट्र का जो फ्यूचर है, हमारे राष्ट्र की जो यूथ है, ये अवश्य ही हमको एक बहुत सुंदर लेवल के ऊपर में लेके जाएगी। और मैं इस क्षण जितने भी ऑफिसर्स हैं, ट्रेनीज हैं, जो एनसीसी की संस्था है, परिवार है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर जो 7,355 मीटर हाई, जो हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, जहां पर बहुत तादाद में स्नो है, वहां पर जो उन्होंने इस माउंटेन ध्वजारोहण किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर में अपने आने वाले माउंट एवरेस्ट का प्लानिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। Hey everyone, my name is Rifnis Wajri from the NAR Meghalaya Directorate. Firstly, I would like to thank God for He has always been there with us. Right from Delhi, we moved to Mount Abhigaman and come back safely. And secondly, I would also like to thank for the NCC who had given us this opportunity to experience this Mount Abhigaman on different mountaineering and expedition things and all. And through my experience, I've been learned that
both the physical and mental strong we have to be, right? Like the most like important is the strong mental. The mental of the strong is very important in our ability to climb the Mount Abigamon or in any expedition. And also I would like to thank you to our leader, our Sir Amit Bish. 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना? अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। एंड ऑल्सो सर जोशी एंड टू ऑल द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टाफ हु हैव बीन विद अस थ्रू आवर जर्नी, दे आर द वन हु इंस्पायर्ड अस, हु गिव अस द स्ट्रेंथ, द स्ट्रांग, द माइंड टू बी थिंक, टू मूव फॉरवर्ड फॉर आवर एम एंड फॉर द फ्यूचर। Thank you for everyone who has been here. Thank you. Jai Hind. Jai Hind everyone. Mera naam Cadet Virendra Singh Samant. Main 29 UK Battalion, DVPJ College, Dehradun. Sabse pehle main apne sabhi sir logon ko, apne sabhi sahab logon ko dhanyawad karna chahunga jisne mujhe expedition ke layak samjha. Kehte hain na sir, asli mujhe manzil ka nahi raston ka hota hai. Hamare saath bhi kuch aisa hi hua. Manzil ko hum bas manzil ko chhute hue aur raste hamare pure difficult, bahut difficult the. Delhi se lekar summit tak hamare sabse pehle moraines, कैरावास, बहुत सारे डिफ़िकल्टी देखे। सबसे पहले जो हमको शहर में बारिश या बर्फ जो अच्छी लगती है, जो सुहानी लगती है, सबसे मुश्किल भरी मुश्किल हमको वही, उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया और बाकी सभी हमने पूरा एक्सपीडिशन मस्ती और मिशन निदेशक NHM उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने PPH की रोकथाम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को प्रसव के दौरान व्यापक क्रॉस सेक्टरल समर्थन प्रदान करने के लिए रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार में महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के अस्वस्थ होने की स्थिति में बच्चों एवं परिवार के सभी सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य कि यहाँ उन्नयन हेतु स्वास्थ्य इकाई के स्तर पर समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सके। जो हमारा डेंगू का इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम, ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपेरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेज आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में, हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। वायु प्रदूषण में नियंत्रण रखने को लेकर यहाँ आप देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम VS6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 VS6 बसें आएंगी और 30 VS बसें CNG की और अन्य 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नहीं लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और VS6 डीजल की और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशरफ हुसैन के नेतृत्व में आज समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर नगर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर नगरपालिका प्रांगण में नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में बरसात का अत्यधिक पानी भरने से लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल हो रहा है, यानी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है, काफी परेशानी उन्हें हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी से लोगों के घरों में सीलन होने लगी है, जहरीले कीड़े उनके घरों में आ रहे हैं, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी असुविधा हो रही है। कुछ एरिया में जल भराव की समस्या है,
जल के नगर निगम के द्वारा जहाँ पे पानी की निकासी नाली के द्वारा की जाती है तो वहाँ पर लगाया जाता है। जिन क्षेत्रों में निकासी का कोई साधन नहीं तो वहाँ पर हम डीजल पंप चलावा करके पानी को नाली में निकासी करवाते हैं। बाकी आवारा पशुओं के होंगे तो हमारी डीपीआर तो बनी है गौशाला की, जिसको धना बन गई है, शासन को भेजा गया, जैसे शासन से धनराशि प्राप्त होती है तो अगला निर्माण की कार्रवाई नियमानुसार जारी कर दी जाए। कांग्रेस के कमेटी के द्वारा नगर निगम के आयुक्त जी को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया जिसमें पूरे शहर की समस्याएँ हैं। शहर की समस्याओं के साथ साथ वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, 3 और जितने 40 वार्ड हैं उसमें आजकल बरसात के पानी से जल भराव की बहुत ज़्यादा समस्या है और जब बारिश पड़ती है तो पूरे के प्लॉटों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं, घरों में सीलन आ जाती है, डेंगू का प्रकोप इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी फॉगिंग मशीन का कोई कार्य किसी वार्ड में नहीं हुआ। नंबर 2, पूरे शहर में गंदगी की यह हालत है कि चाहे ओझान मोहल्ला हो, खतरियान हो, सिंगान हो, अल्ली खां हो, चाहे मेन चौराहा हो, मेन बाजार हो, कूड़े के अंबार के ढेर लगे हुए थे। कोई कूड़ा उठाने वाले के लिए 11-11 बजे तक बाजार में कूड़ा नहीं उठता, मेन बाजार में पानी की निकासी का कोई वो नहीं है। आवारा पशुओं, आपके कलम के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से भी तरह तरह के हर बार चेताया जाता है कि जो गाय और बैल आवारा पशु यहाँ खुलेआम फिरते रहते हैं और जाम लगा देते हैं हर तरह से, उस जाम को निजात नहीं मिल पा रही है। आवारा कुत्ते इंसानों को काटने के लिए दौड़ते रहते हैं लेकिन उसके निजात के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। हमने सब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चेताया नगर निगम को और यह भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार को चेताया है कि अगर काशीपुर महानगर की इन समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो आने वाले 7 दिन के बाद हम हर वार्डों में धरना देंगे, प्रदर्शन करने और इन गूंगे बहरे अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। अगर तब भी नहीं जागी तो इस महानगर की जनता यहां पर आकर पूरे आंदोलन करने के लिए आक्रोशित है। वैसे तो पूरे शहर में समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम केवल वार्ड नंबर 2 की बात कर रहे हैं जहां पे लोग बाग प्लॉट लेके अपना घर बना के रह रहे हैं। पहले भी हम वहां पे चुनाव के समय में वैसे भी जाते रहे, वहां पे समस्या। चले वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए GK247 न्यूज के साथ। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।